अंधेरी रात खेतों में घूमती पुलिस और हाथों में बंदूक कि जहां उन्हें उनका शिकार मिले और भागने की कोशिश करे तो वहीं चला दे गोली, क्योंकि ये तलाश किसी आम आरोपी की नहीं बल्कि इनामी बदमाश की है। और जल्द ही पुलिस को ये कामयाबी मिल भी गई। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। बुलंदशहर पुलिस की शनिवार देर रात एक बार फिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी सुरेंद्र उर्फ तार बाबू घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारी पुलिस नाकाबंदी, गाड़ाबंदी और बदमाशों की तलाश में मूवमेंट में थी। उसी दौरान एक बदमाश जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस थाना सिकंदराबाद के द्वारा जब उसको रोका गया कि चेकिंग के लिए, तो उसने तुरंत ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का जवाब पुलिस के द्वारा दिया गया, जिसके तहत उस बदमाश के पैर में गोली लगी और उसको घेर करके पुलिस के द्वारा, सिकंदराबाद पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। इसके ऊपर 25,000 का इनामी है यह व्यक्ति और शूटर है। बता दें कि इनामी तार बाबू साल 2017 में सिकंदराबाद में हुए चर्चित अमित हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इनामी तार बाबू फिरोजाबाद का मूल निवासी है। हत्या के बाद से ही इनामी वांछित चल रहा था। पुलिस की माने तो उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि इनामी तार बाबू मृतक के परिजनों पर हमले की फिराक में है, जिसके बाद सिकंदराबाद पुलिस निजामपुर की तरफ से जौली रोड पर पहुंचकर इनामी की घेराबंदी में जुट गई। तार बाबू जैसे ही पुलिस के घेरे में आया और खुद को फंसता हुआ देखा तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक गोली इनामी तार बाबू को लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस के खाली खोखे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस की टीम गिरफ्त में आए बदमाश से पूछताछ कर रही है और उसके बाकी साथियों का पता लगाने में जुटी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, बुलंदशहर।